डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पिछले क्लास में हेलो एल्केन हेलो बेंजीन चैप्टर को, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट था, उसको हम लोग पढ़ रहे थे और पिछले दिन उसका एंड हो गया है, हम लोग खत्म कर लिए उस चैप्टर को। चलिए और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसा कि आपको पता है, हम बता चुके हैं पहले ही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 6 चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने एक चैप्टर को भी खत्म किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, पहला चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन हेलो बेंजीन। ठीक है, अब ये हेलो एल्केन हेलो बेंजीन को हम लोगों ने चैप्टर को खत्म किया। अब आइए अगले चैप्टर, यानी कि ये कार्बनिक रसायन हम लोग का चल रहा है जिसको इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन का दूसरा चैप्टर जो है वो क्या है, एल्कोहल एल्कोहल फिनॉल तथा इथर, ये फार्मूला है, ये मतलब चैप्टर है, फार्मूला नहीं सॉरी। तो एल्कोहल फिनॉल तथा इथर ये हम लोगों का दूसरा चैप्टर है, इसमें हम लोग ये एल्कोहल के बारे में भी पढ़ेंगे, फिनॉल के भी बारे में पढ़ेंगे और इथर के भी बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पहले ही चैप्टर में इथर का नाम सुनने को मिला था कि इथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं। अब ये इथर क्या है, तो इथर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये इथर क्या है, हम लोग इसको अभिक्रिया में कैसे शामिल करते हैं, अल्कोहल क्या है, यानी हम लोग बारी बारी से तीन कैटेगराइज पढ़ेंगे, तीन चीज पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनॉल इथर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल के बारे में सीखेंगे कि अल्कोहल क्या है। तो अभी हम लोग टॉपिक देंगे अल्कोहल अल्कोहल। ठीक है, अब अल्कोहल के नीचे फर्स्ट अर्थ दिया जाए, लिखेंगे हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक कार्बन परमाणु, हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक कार्बन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा, हाइड्रोक्सिल समूह ब्रैकेट में OH लिखिएगा, हाइड्रोक्सिल समूह ब्रैकेट में OH द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं जिसे अल्कोहल कहते हैं, जिसे अल्कोहल कहते हैं। चलिए अभी हम क्या बोले कि अगर कोई भी कार्बन परमाणु, दोस्तों कोई भी कार्बन हाइड्रोकार्बन मिले, जहां कहीं भी, अब अगर आपको OH दिख जाए जहां कहीं भी, यानी कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर आपको OH दिखता है, हम उसको क्या बोल देते हैं कि ये अल्कोहल है। यानी कि अल्कोहल का डेफिनेशन हुआ कि हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक कार्बन परमाणु जब हाइड्रोक्सिल द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी कि एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ता है, आप ऐसे समझ लो, एक हाइड्रोक्सिल समूह अगर जुड़ जाएगा किसी भी हाइड्रोकार्बन में, हम उसको बोलेंगे अल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेंगे, एग्जाम्पल CH3CH2OH, देख पा रहे होंगे, एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, OH होता है, और ये हाइड्रोकार्बन्स के साथ OH जुड़ा हुआ है, इट मींस क्या कि ये हाइड्रो अल्कोहल को दिखाता है, अल्कोहल पता चल रहा है। दूसरे में अगर बात करें, दूसरा तो दूसरा में क्या है, हमें
तो CH3 CH2 CH2OH देख पा रहे होंगे कि कोई भी हाइड्रोकार्बन दिख जाए उसमें OH दिख जाए हम उसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो ये दोनों एग्जांपल दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे OH लगा हुआ है, इट मींस ये अल्कोहल है। उसके नीचे फिर नेक्स्ट एरो दिया जाए, लिखेंगे एथेनॉल को ही अल्कोहल कहा जाता है, एथेनॉल को ही अल्कोहल कहा जाता है जिसका उपयोग अधिक मात्रा में शराब के रूप में किया जाता है। पूर्ण विराम। इसके अलावा कफ सिरप एवं टॉनिक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस बार जो हम लोग पढ़े एरो दिए ना, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, अल्कोहल। लेकिन आपको जानना चाहिए कि अल्कोहल का जो फार्मूला होता है, अल्कोहल भी बोल सकते हैं या फिर इसी को दोस्तों एथेनॉल बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH, या फिर बोल सकते हैं या CH3CH2 और जुड़ा है OH, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगर आज से कोई बोलेगा कि अल्कोहल का फार्मूला क्या, और आप जानते हैं ना कि कोई भी शराब अगर पीता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अल्कोहल की मात्रा, क्योंकि शराब में अल्कोहल ज्यादा मात्रा में होता है, वो हमें नशा ला देता है, कोई चेतना को बोल सकते हैं कि कुछ पता नहीं चलता है अल्कोहल। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब कि जो शराब में अल्कोहल यूज किया जाता है वो एथेनॉल भी उसको बोल सकते हैं, यानी कि एथेनॉल से ही हम लोग उसका नाम अल्कोहल हुआ है, इसको एथेनॉल भी बोलते हैं। अब रहा बात कि एथेनॉल और अल्कोहल दोनों क्या है, एक जैसे हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। इसका जनरल फार्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, राइट। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम यही लिखे हैं कि अल्कोहल का ही दूसरा नाम एथेनॉल है, जिसका फार्मूला C2H5OH हो सकता है, होता ही है, हो सकता है नहीं। अच्छा, इसका यूज का बात करें तो हम लोग कफ सिरप में भी, आपको जानना चाहिए कि जो शराब में अल्कोहल की मात्रा होती है, कफ सिरप यानी कि जो खांसी को ठीक करने वाली जो सिरप होती है उसमें भी अल्कोहल का मात्रा अब देखते हैं कि अल्कोहल के कितने प्रकार है। ठीक है, अल्कोहल के कितने प्रकार है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो अब टॉपिक दिया जाए अल्कोहल के प्रकार, ठीक है, उसके नीचे आप देंगे लिखेंगे अल्कोहल के चार प्रकार हैं। अब कौन कौन से प्रकार है जरा बात कर लेते हैं। पहला का नाम है दोस्तों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। दूसरा का नाम है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। तीसरा का नाम है ट्राइहाइड्रिक
अल्कोहल। फिर चौथा का नाम है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो कुल मिलाकर हाइड्रिक, अच्छा से देख लेंगे, अल्कोहल के कितने प्रकार हैं? चार प्रकार, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, अब मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक या ट्राइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक क्या है, जरा इनके बारे में हम लोग सोचते हैं कि क्या है। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि अल्कोहल के कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार, चार प्रकार हैं। पहला मोनो, डाई, ट्राई और चौथा में पॉली। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, ये अल्कोहल है। अब हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि मोनोहाइड्रिक क्या है, डाइहाइड्रिक क्या है, ट्राइहाइड्रिक क्या है और पॉलीहाइड्रिक। डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग अभी चूंकि बोर्ड पे पढ़ रहे थे केमिस्ट्री को, तो टेक्निकल इशू होने की वजह से आधा हम आपको कॉपी पढ़ा रहे हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि अल्कोहल के चार प्रकार हैं, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। तो उसी के हिसाब से अब चलिए हम लोग आइए समझते हैं मोनोहाइड्रिक के बारे में। तो चलिए देखते हैं मोनोहाइड्रिक क्या है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखते हैं कि हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते किसको हैं। तो उसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए यदि हाइड्रोकार्बन में, इसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे यदि हाइड्रोकार्बन में OH समूह की संख्या, OH समूह, ये OH समूह, यदि हाइड्रोकार्बन में OH समूह की संख्या एक हो तो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है, उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। ध्यान रहे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कब कहेंगे, जिसमें OH समूह की संख्या एक रहेगा। वैसे ही अब टॉपिक बनाएंगे, छोटा छोटा टॉपिक है डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसके नीचे रो देंगे, लिखेंगे यदि हाइड्रोकार्बन में OH समूह की संख्या दो हो तो उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। चलिए अब लिखेंगे ट्राइहाइड्रिक के बारे में, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल कब बोलेंगे, जिसमें OH समूह की संख्या दो ठो रहेगा तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, OH समूह की संख्या अगर एक ठो रहेगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जब डाइहाइड्रिक कब बोलेंगे, जब OH समूह की संख्या दो रहेगा। वैसे ही ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में लिखेंगे यदि हाइड्रोकार्बन में OH समूह की संख्या तीन हो तो, यदि हाइड्रोकार्बन में OH समूह की संख्या तीन हो तो उसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है, उसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, उसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है, यानी कि OH समूह की संख्या, ध्यान रहे, तीन रहेगा, हम उसको बोल देंगे ट्राइहाइड्रिक। अब एक लास्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कब बोलेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, एरो देंगे, यदि किसी हाइड्रोकार्बन में OH समूह की संख्या तीन से ज्यादा हो तो उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है, उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे देख पा रहे हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल किसको कहेंगे, जिसमें OH समूह की संख्या कितना हो, 3 से ज़्यादा हो। ठीक है, आप एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लीजिए, OH समूह जब एक रहेगा मोनोहाइड्रिक, OH समूह जब दो ठो रहेगा डाईहाइड्रिक, OH समूह जब तीन ठो रहेगा ट्राईहाइड्रिक, लेकिन तीन से ज़्यादा का मतलब OH समूह 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, यानी 3 से ज़्यादा रहे, तब हम उसको नाम क्या बोल देंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, निम्न कार्बन यौगिकों में मोनोडाईहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक तथा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की पहचान करें। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की पहचान करें। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है, नीचे कुछ कार्बनिक यौगिक दिया जा रहा है और उसमें आपको मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक का पहचान करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे पहला है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, CH3CH2OH। ठीक है, वैसे ही दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए फिर हम समझा देते हैं, CH3CH OH CH OH CH3। फिर नेक्स्ट एग्जांपल इज थर्ड, C3H7OH। फोर्थ एग्जांपल CH3CH OH CH2CH OH, फिर COH, ऊपर भी OH और इधर CH3। नेक्स्ट एग्जांपल इज 5, CH3C, ऊपर भी OH जुड़ा हुआ है, नीचे भी OH जुड़ा हुआ है, इधर CH, नीचे OH, इधर CH3। अब ये 5 एग्जांपल दिख रहा है, इस 5 एग्जांपल को देखकर आप खुद समझ पा रहे होंगे, इस पहला जो वाले क्वेश्चन में OH समूह कितना है, एक ठो है, तो जब एक ठो रहता है तो इसका नाम लिख देंगे कि ये कौन सा अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। उसी तरीके से इसमें कितना अल्कोहल है, तो अल्कोहल की संख्या इसमें दो ठो है, तो जब अल्कोहल की संख्या यानी कि OH समूह की संख्या अगर दो ठो होता है तब उसको कितना हाइड्रिक बोलते हैं, डाईहाइड्रिक। पढ़े ना अभी कि डाईहाइड्रिक में दो ठो हमें रहता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे से तीसरा में देखा जाए, OH समूह की संख्या कितना है, एक है, जब OH समूह की संख्या एक होता है इसका नाम दे देते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। चौथा नंबर क्वेश्चन में OH समूह की संख्या कितना है, 1 2 3 4, इस यौगिक में 4 OH समूह है, तो जब 4 OH समूह है तो इसका नाम क्या कर देंगे, हम लोग अभी पढ़े कि 3 तक के होता है, पहला में मोनो, जब एक रहेगा 2 रहेगा तो डाईहाइड्रिक, 3 रहेगा ट्राईहाइड्रिक, और 3 से ज़्यादा रहेगा तब इसका नाम हो जाता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। उसी तरीके से इसको देख कर देखिए, तो ये CH3 है, यहाँ पे CH3 COH OH CH OH CH3। इस पांचवा क्वेश्चन में टोटल यहाँ से यहाँ तक में कितना OH दिख रहा है, 3 OH, तो इसका आंसर कर देंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, चलिए जिस तरीके से हम 5 क्वेश्चन दिए हैं वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए भी देते हैं, तो लिखा जाए छठा, ये आप खुद कीजिएगा, खुद से पहचान करना है कि कौन सा अल्कोहल है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, CH3 CH3 H
OH, सातवां CH3, OH, COH, OH, CH, OH, CH3, OH, CH3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 8, CH3, CHOH, CH, OH, CH, OH, OH. नवा CH3, COH, OH, OH. ठीक है, आपको क्या करना है कि ये पांच क्वेश्चन सब आपको खुद दिए हैं और पांच क्वेश्चन छठा सातवां आठवां नवा नौ हो गया ना, एक और पूरा ही रहते हैं. CH, CL, OH, CH2, COH, OH, CH, CH3, OH. यहाँ पे देखिए OH है. ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए और सिंपल वे में आपको इसमें यही पहचान करना है कि कौन मोनोहाइड्रिक है, कौन डाईहाइड्रिक है, कौन ट्राईहाइड्रिक है, ठीक है, या कौन फिर इसमें पॉलीहाइड्रिक है. तो इन क्वेश्चंस को देखकर आप खुद से पहचान कीजिएगा और फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे. नेक्स्ट टॉपिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार, ध्यान दीजिए. अभी हम क्या लिखें कि जो अल्कोहल होते हैं कार्बनिक अल्कोहल, उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक. अब लेकिन यहाँ पे हम लोगों को एक और नया चीज़ सीखना चाहिए कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं. तो ये भी हम लोगों को चार प्रकार का होता है, सॉरी इसमें तीन प्रकार का होता है. तो उसके नीचे लिखिएगा नेक्स्ट एरो देकर, फर्स्ट एरो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के तीन प्रकार हैं. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के तीन प्रकार हैं. पहला प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल. दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल. तीसरा टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल. ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल. आप देख पा रहे होंगे पहला का नाम है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरा टर्शियरी अल्कोहल. अब किसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी, किसको बोलेंगे सेकेंडरी और किसको बोलेंगे टर्शियरी, तो इसके लिए हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि आखिर प्राइमरी अल्कोहल किसको बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल किसको बोलेंगे और टर्शियरी अल्कोहल किसको बोलेंगे. तो इन तीनों के बारे में हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में. तब तक के लिए धन्यवाद.